हेलो एवरीवन, हाउ आर यू माय डियर्स। आई होप दैट यू ऑल लवली गाइस विल बी गुड। दिस इज सबा एंड वेलकम टू माय चैनल द पायनियर अवे टेलर। सो लवली गाइस, लेट्स स्टार्ट लेसन वन, अ लेटर टू गॉड। बट बिफोर स्टार्ट द लेसन, वी हैव टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ दिस लेसन। द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज जी एल फ्लुवेंस। फ्लुवेंस वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 11, 1897 एट Lanzarote in the Canary Island. At his teen age, he worked on cargo ship that went out of the Canary Island to Trinidad and Puerto Rico. He was went to sea as deck boy with his father at the age of 10. 10 साल की उम्र में इनको अपने फादर के साथ में डेक बॉय के रूप में भेजा गया था। He also went to the Spanish port of the Valencia and Sevilla to साउथ अमेरिका। फाइनली ही मिग्रेटेड परमानेंटली टू क्यूबा एट द एज ऑफ 22। 22 साल की एज में ये परमानेंट क्यूबा मिग्रेट हो चुके थे। फ्लुएंट जो थे वो एक बहुत ही लाइफ लॉन्ग सिगार स्मोकर थे और 2002 में इन्होंने 105 इयर्स की एज में इस वर्ल्ड को छोड़ा था, यानी 105 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन गाइस। ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ होता है हमारा, जो विश्वास होता है, वो क्या कर सकता है, कैन मूव माउंटेंस, पहाड़ों तक को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन क्या हम अपना विश्वास इतना लंबा या इतना ज़्यादा हम किसी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए हमें या नहीं रखना चाहिए, दिस इज़ द क्वेश्चन। और ये जो लेसन आपका बिगन होता है, क्योंकि गाइस इसकी सिर्फ समरी में बताऊंगी आपको। सो लेट स्टार्ट। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो एक फार्मर है, जो कैरेक्टर का नेम है इस लेसन में उसका नाम है लैंचो। वो क्या करता है, जब उसकी क्रॉप्स पूरी तरह से रूइंड हो जाती है तो वो गॉड को 100 पैसोस के लिए एक लेटर लिखता है। सो हमको सिर्फ ये जानना, डज लैंचो लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। सो लेट स्टार्ट द लेसन गाइज। जब ये लेसन शुरू होता है, जो हमारा लेसन स्टोरी जो बिगिन होती है, ये होती है एक बहुत ही छोटे से घर से। लैंचो जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और गॉड बिलीविंग फार्मर है। ये अपने छोटी सी फैमिली के साथ रहता है, एन आइसोलेटेड हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिल, यानी पूरे इस एरिया के अंदर सिर्फ एक ऑनली जो घर था वो लैंचो का था। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि लैंचो की जो क्रॉप है, जो उसकी फसल है, वो पूरी तरह से अच्छे से निकल चुकी थी और अब वो सिर्फ एक वेट कर रहा था डाउनपोर, यानी कि थोड़ी सी बारिश के वेट कर रहा था लैंचो कि थोड़ा सी बारिश हो जाती है और उसकी जो क्रॉप है वो क्या होगी, बहुत ही अच्छी इस साल होगी। उसको ऐसे आशा थी, ऐसा होप थी और वो अपनी वाइफ के साथ अपनी होप्स को शेयर्स भी कर रहा था। उसकी वाइफ जो थी वो एग्री कर रही थी कि अगर कुछ नहीं होता, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक रहता, अच्छी सी बारिश होती है, तो उनकी जो फसल होगी इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। एज द फैमिली सेट फॉर द डिनर इट बिगेन टू रेन आउटसाइड। जैसे उसकी फैमिली खाना खाने के लिए बैठती है तो बाहर क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। लैंचो वॉज थ्रिल्ड टू सी द फेलिंग रेन एंड ही रन्स आउट टू द हाउस हैप्पीली टू फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। जैसे ही वो बारिश को देखता है, क्योंकि लैंचो तो वेट कर रहा है, लैंचो की फैमिली वेट कर रही है कि बारिश होगी, तो जैसे ही बारिश को देखता है वो खुशी खुशी बाहर की तरफ भागता है और बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए वो अपने घर से बाहर निकलता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बट हिज जॉय डिड नॉट लास्ट लॉन्ग व्हेन द रेन फॉल सून टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म एंड हेल स्टोन्स केप्ट हिटिंग द इंटायर वैली फॉर मोर देन एन आवर एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली। और लेकिन उसकी जो खुशी थी पूरी बारिश के होने की, वो सब चली जाती है जब होता क्या है, वो जो बारिश होती है वो एक हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पूरी जो उसकी फसल थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से
एक घंटे की बारिश के अंदर जो उसका खेत होता है उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे उसमें जो उसकी क्रॉप थी उनकी जगह पर सिर्फ नमक के, उसको कंपैरिजन यहाँ पर राइटर ने किया है, जैसे कि नमक फैला हुआ होता है पूरे एरिया में, वाइट वाइट दिखता है, सेम उस तरह से वो एरिया उसका दिख रहा था। लैंचो वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड एंड हेल्पलेसली ही वॉज इज डिवॉस्टेड फील्ड विद हिज सन, अपने बच्चों के साथ खड़ा होकर के, कोई भी किसान होता है, कोई भी फार्मर होता है, या हम ही लोग होते हैं, हमारी जब कोई बहुत अच्छी चीज़ जिसके ऊपर हमारे पूरी फेथ टिका होता है, जब वो चीज़ ख़राब होती है तो हम सब लोग एक डिवॉस्टेड मूड में आते हैं, कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर लैंचो की थी, वो अपने बच्चों के साथ अपने उस डिवॉस्टेड फील्ड को देख रहा था। ही लैमेंट्स एंड ऑब्जर्व दैट इवन अ स्वार्म ऑफ लॉक्टर्स वुड नॉट हैव डन सच अ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप। उसने ये ऑब्जर्व किया कि इतना ज़्यादा तो लॉक्टर्स के स्टॉम में जो कीड़ों का होता है स्टॉम होता है, उसने इसकी जो फसल थी उसको नष्ट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, जितना कि इस एक घंटे के हेलस्टोन ने कर दिया। येट हिज अनफिलिंग फेथ इन गॉड हेल्प हिम लेसन हिज एब्सोलेट फ्रस्ट्रेशन। ही स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिज फैमिली। इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म गॉड ऑफ हिज अनप्रोसीडेंट लॉस ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। उसका जो फेथ था वो ये था, जब वो रात को लेटा अपने घर में अपने उसको अपने बेड पे, जब वो लेटा तो उसके माइंड में वही सब चल रहा था, लेकिन उसको एक ये भी था, ये सोचा था कि इस साल तो फिर हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली जो वो भूख से मर जाएगी, लेकिन उसको एक हेल्प, एक जो आशा की किरण दिखाई दे रही थी वो सिर्फ इतना दिखाई दे रही थी कि जो गॉड है वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो उसने ये डिसाइड किया कि देखिए जो मेरी जो कंडीशन है उसके बारे में मुझे गॉड को एक लेटर लिखना चाहिए, मतलब गॉड को बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। सो वो डिसाइड करता है कि उस गॉड को एक लेटर लिखेगा और क्या करेगा, उनसे 100 पैसे की मांग करेगा ताकि वो अपने जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सके, और अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो फैमिली है, उनके लिए नेक्स्ट हार्वेस्ट तक अच्छे फीड और अच्छे खाने का इंतज़ाम कर सकें। एड्रेसिंग द लेटर एज टू गॉड लैंचो पुट्स द लेटर इनटू द मेल बॉक्स बाय पर्सनली गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस द फॉलोइंग संडे। उसने गॉड को एक लेटर लिखा, उसके ऊपर एड्रेस किया फॉर गॉड, उसके बाद वो खुद जाता है और लेटर बॉक्स में आने वाले जो संडे था उसमें जाकर उसने उसको पोस्ट किया। अब यहाँ पर क्या होता है, इस स्टोरी का जो एक एंड है वो इस जगह पर ओवर होता है, यानी कि जो लैंचो का पार्ट था वो इस जगह पर ख़त्म होता है। आते हैं हम पोस्ट ऑफिस में कि यहाँ पर क्या होता है। पोस्ट ऑफिस में गाइस जब वहाँ के जो पोस्ट वर्कर होते हैं, जो एम्प्लाई होते हैं, वो जब उन्होंने मेल बॉक्स को खाली किया तो उसमें उनको एक लेटर मिला जो कि एड्रेस किया गया था किसको, गॉड को एड्रेस किया गया था। और वहाँ के एम्प्लाई ने क्या इस वर्ल्ड में किसी भी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लाइज होते हैं उनको कभी भी कोई ऐसा लेटर नहीं मिला जो गॉड को एड्रेस किया गया हो, गॉड को डिलीवर किया गया हो। अब वो परेशान हो रहे थे कि आखिर वो इस लेटर को गॉड तक कैसे डिलीवर कर पाए। नेचुरली जाहिर सी बात है गॉड का कोई एड्रेस तो था नहीं, लेकिन जो वहाँ का एम्प्लाई था वो उस लेटर को लेकर के जो वहाँ का पोस्ट मास्टर होता है उस तक लेके जाता है। द पोस्ट मास्टर टू वॉज एम्यूज टू सी इट एंड लाफ्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्या करता है वो, पहले तो उस लेटर को देखता है, हंसने लग जाता है, फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी, उसकी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि देखें आखिर इस लेटर के अंदर लिखा क्या गया है। तो वो उसको खोलता है और उसको पढ़ता है। ऑन रीडिंग इट ही बिकेम सीरियस एंड वॉज टर्स्ड बाय द डीप फेथ ऑफ द सेंडर। जब उस लेटर को खोलता है और पढ़ने के बाद वो जो अभी तक हंस रहा था वो सीरियस मूड में आ जाता है, और जो एक सेंडर का यानी कि जो लेटर को सेंड करने वाला था उसके जो डीप फेथ को देखता है वो उसके दिल को टच करता है। ही डिसाइडेड टू रिप्लाई टू द लेटर ऑन गॉड्स बिहाफ सो दैट लैंचो फेथ इन गॉड रिमेन स्टीड फास्ट। फिर वो क्या करता है, वो ऐसा डिसाइड करता है कि वो लैंचो को गॉड के बिहाफ पर लेटर लिखेगा ताकि उसका जो गॉड के अंदर फेथ है वो ऐसे ही रहे। फाइनली ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और आखिर में वो डिसाइड कर लेता है कि वो लैंचो की मदद करेगा। ही आस्क्ड द एम्प्लॉई ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी। वो अपने सारे एम्प्लॉई से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है, चंदा इकट्ठा करता है और खुद अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट
वो देता है। ही ऑल्सो रेजेस सम मोर मनी बाई सेकिंग डोनेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से भी वो मांगता है। हाउ एवर इवन द बेस्ट ऑफ हिज एफर्ट कुड नॉट गेट हिम 100 पैसेज एंड ही हैज़ टू मैनेज द एक्ट ऑफ चैरिटी विद 70 पैसेज ओनली। लेकिन इतना करने के बाद भी, अपनी सैलरी में से कुछ निकालने के बाद भी, एम्प्लॉय से लेने के बाद भी, अपने फ्रेंड से लेने के बाद भी, वो 100 पैसेज कम्प्लीट नहीं कर पाता है और इस एक्ट ऑफ चैरिटी के बदले में सिर्फ 70 पैसेज इकट्ठा कर पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, रोट अ लेटर विद ओनली वन वर्ड गॉड एंड एड्रेस इट टू लेंचो, और आखिर में वो एनवेलप के अंदर उन सारे पैसों को रख देता है और उसके ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखता है गॉड, उसके बाद वो लेंचो को सेंड करता है। नेक्स्ट संडे क्या होता है ये देखने के लिए जो पोस्टमास्टर था वो बैठता है कि देखूं मैं कि आखिर लेंचो क्या करेगा। लेंचो जाता है वहाँ पर और फिर वो गॉड के जो रिस्पांस था, वो उनके जो रिक्वेस्ट है उसको वो कलेक्ट करता है, मीन्स जो गॉड की तरफ से जो उस पोस्टमास्टर ने जो लेटर उसको रिपोस्ट किया था वो उसको लेता है। द पोस्टमास्टर टेक्स आउट द लेटर एंड हैंड्स इट टू द लेंचो एंड लुक्स ऑन हिम टू ऑफिस लाइक अ कंटेंट मैन हु हैज़ परफॉर्म अ डीप ऑफ चैरिटी। अब जो पोस्टमास्टर था वो खिड़की से बैठ कर, उसने खुद वो लेटर उसके हाथ में दिया, उसके बाद वो खिड़की से बैठ करके देखता है कि क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति होता है, कोई भी पर्सन होता है, जब वो कोई अच्छा काम करता है तो अपने अच्छे काम का रिजल्ट देखने के लिए बैठता है, तो वो उसको देखता है। वो क्या देखता है, लंच ओपन द लेटर फ्रॉम द गॉड एंड ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। उसको ये देखता है जो पोस्टमास्टर होता है, ये देख रहा होता है कि लंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि उसके लिए पैसे आए, क्योंकि उसका तो फेथ था गॉड के अंदर, तो उसको पता था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वो ये देखकर सरप्राइज वो खुद भी होता है कि लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था वो, बल्कि पैसों के आने का वेट कर रहा था। उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसको लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो काउंट करता है मनी को तो वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक इन सेंडिंग इन 30 पैसेज शॉर्ट। उसको क्या सोचता है कि गॉड से तो ये मिस्टेक हो नहीं सकती है कि 30 पैसे तो उसको कम भेजें, उसने 100 मांगा है तो गॉड 100 ही भेजेंगे, 30 नहीं भेजेंगे। तो ये देख करके एंग्री हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, मतलब हाउ कुड गॉड डिनाई हिज रिक्वेस्ट, वो ऐसा सोचता है कि आखिर गॉड थोड़ी डिनाई कर सकते हैं, जो उसने मांगा है वो उसको ज़रूर देंगे। फिर वो क्या करता है, बाई अ स्टैम्प अफिक्स इट ऑन द एनवेलप एंड पुट्स इट इन टू द मेल बॉक्स। वो एक स्टैम्प उठाता लेता है, ख़रीदता है, उसके बाद एनवेलप के अंदर कुछ लिख के वो डालता है और फिर वो मेल बॉक्स में वो लेटर डाल देता है। आफ्टर लंचो हैड गॉन द पोस्टमार्टम ओपन इट टू फाइंड द आयरोनिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम लंचो। जब वो डाल करके अपना लेटर चला जाता है तो जो पोस्टमास्टर होता है वो जाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर जो उसने पैसे उसको भेजे उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। लंचो हैड कंप्लेन इन इज लेटर, लेकिन जब वो उस लेटर को खोलता है तो लंचो ने कंप्लेन लिखी होती है, क्या लिखा होता है, गॉड को दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज एंड गॉड मस्ट सेंड द रेस्ट एट द अर्लीस्ट। क्या था कि गॉड ने सिर्फ 70 पैसे उसको भेजे हैं और जल्द ही उनको वो जो रेस्ट उसके 30 पैसे से वो भी भेजने होंगे। बट ही इंस्ट्रक्ट्स गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल बिकॉज द एम्प्लॉयज एट द पोस्ट ऑफिस वर अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड अनट्रस्टवर्दी। और उसने एक लाइन और क्या लिखी कि नेक्स्ट टाइम जब गॉड उसको पैसा भेजें तो ये ना हो कि उसको मेल के थ्रू या लेटर के थ्रू भेजें, बल्कि उसको डायरेक्ट भेजें। क्यों, क्योंकि उसने ऐसा लिखा हुआ था कि जो इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठग हैं, और इन्होंने उसके पैसे उसको निकाल लिया। सो गाइज ये था आपका लेसन अ लेटर टू गॉड। यहाँ पर लंचो ने जो लंचो का विश्वास था, लंचो का जो फेथ था वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है गॉड पर से, और उसको पैसे मिलने के बाद वो यही सोचता है कि गॉड से तो मिस्टेक हो नहीं सकती है, गॉड ऐसी मिस्टेक कर नहीं सकते, ज़रूर ये पैसे जो थे वो उसके पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने निकाला था। सो गाइस दिस इज फ्रॉम माय साइड, आई विल बी बैक विद अ न्यू लेसन, टेक केयर, बाय बाय। So guys, I hope that you must have understand the lesson very well and this is from my side. Guys, if you don't subscribe my channel, firstly subscribe the channel and press the bell icon, then hit the like button and comment.